तीन औरतें कपड़े सुखा रही थी, तभी वहाँ पे एक टूरिस्ट आती है। वो यूएस से इंडिया देखने आई थी। वो लोगों को ऐसे कपड़े सुखाते हुए देखती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वो घूमते घूमते आगे निकल जाती है, लेकिन उसका पर्स वहीं गिर जाता है। वो जब आगे जाती है तब उसे याद आता है कि उसका पर्स तो वहीं गिर गया था। वो पर्स लेने के लिए वापस आती है तो देखती है कि उसका पर्स तो गायब है। अब यहाँ बस तीन ही औरतें थी जो कपड़े सुखा रही थी, मतलब इन्हीं में से किसी ने उसका पर्स लिया होगा। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं पर्स किसने चुराया है? सोचिए, मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। क्लूज के लिए आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों औरतों के पास जो बाल्टी रखी हुई है उसे ध्यान से देखिए। जब टूरिस्ट आई थी तब पहली वाली बाल्टी देखिए, उसमें पानी कम था, लेकिन अब उसमें पानी बढ़ गया है क्योंकि इस औरत ने उसके अंदर पर्स छुपा लिया है। बाल्टी में हाथ डाल के देखते हैं तो पर्स निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रीमियम लॉटरी का इस साल सबसे बड़ा ड्रॉ निकलने वाला है। पहले विनर को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, दूसरे को 50 लाख और तीसरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे। लॉटरीज के ड्रॉ निकलने शुरू हो जाते हैं, काफी लोग ड्रॉ के लिए इकट्ठा होते हैं। तीसरा इनाम 10 लाख रुपए का टिकट नंबर अनाउंस होता है। रोशन स्टेज पे आके अपनी टिकट दिखाता है और 10 लाख रुपए लेके चला जाता है। दूसरी लॉटरी टिकट 50 लाख रुपए के टिकट के नंबर का अनाउंसमेंट होता है। मेहुल स्टेज पे आता है, अपनी टिकट दिखाता है और पैसे कलेक्ट करके चला जाता है। तीसरा इनाम 1 करोड़ के टिकट का नंबर अनाउंस होता है, लेकिन ये क्या, स्टेज पे 1 करोड़ लेने के लिए तीन लोग पहुंच गए। अब तीनों में से 2 टिकट फेक है और 1 ही टिकट असली है, लेकिन ये कैसे समझेगा। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत ये चेक करने पहुंच जाता है। क्या आप इन तीनों टिकट्स को देख के बता सकते हैं कौन सी टिकट नकली है, 1, 2 या 3? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिकट विनर 2 और टिकट विनर 3 के टिकट का पैटर्न देखिए, साइड में 3 लाइंस है और वो सिर्फ टिकट 1 से मिलती है। टिकट 2 में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन है और टिकट 3 में एक लाइन कम है, मतलब ये नकली टिकट्स है। मेहुल ये समझ जाता है और टिकट 1 वाले को फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सेठ धनीराम को एक आदमी फोन करके बहुत धमकियां दे रहा था। सेठ जी बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन सेठ जी को एक लेटर भी आ जाता है, उसमें लिखा था 1 लाख रुपए लेके तुरंत नीचे दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। सेठ जी घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंच जाते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि एक आदमी उन्हें काफी दिन से परेशान कर रहा है और नीचे दिए गए एड्रेस पे पैसे लेके आने बोला है। मेहुल क्लूज देख के समझ जाता है कि उसे बस स्टॉप के पास ही आदमी मिलेगा। मेहुल सेठ जी के साथ बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। वहां उन्हें 4 लोग मिलते हैं। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं सेठ जी को धमकी देने वाला कौन है? क्लूज को ध्यान से देखिए, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लूज में लिखा है कि वो बस स्टॉप के नीचे है। बस स्टॉप के नीचे बस यहाँ 2 लोग हैं। और क्लूज में लिखा है कि वो डस्टबिन के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, मतलब यही वो आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हिमा के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो पैसा अपने किसी रिलेटिव को देना नहीं चाहती थी। वो सारा पैसा शांति को देना चाहती थी, कैट्स की देखभाल करने के लिए। हिमा की मृत्यु के बाद शांति को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो एडवोकेट के पास जाती है। तो एडवोकेट उसे बताता है कि हेमा ने कुछ भी उसके नाम नहीं किया है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों के नाम कर दी है। शांति को शक होता है तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल विल के सारे पेपर्स चेक करता है तो वो समझ जाता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं। कैसे, मेहुल को कैसे समझता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेज नंबर 1 और 2 राइट में लिखे हुए हैं,
लेकिन पेज नंबर 3 मिडिल में लिखा हुआ है, मतलब ये पेज बाद में ऐड किया गया है विल में। उससे मेहुल को समझ जाता है कि विल के साथ छेड़छाड़ हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर रात होते ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मार्केट में घुस जाता है और काफी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चोरी कर लेता है। क्या आप पहले और बाद के पिक्चर को देख के बता सकते हैं चोर ने टोटल कितनी चीजें चुराई है और कौन कौन सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने टोटल 6 चीजें चुराई है। अगर आपका जवाब 6 नहीं है तो वीडियो को पॉज करके एक बार वापस कोशिश कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाटरमेलन गायब है, दूसरा ये एप्पल गायब है, तीसरा ये कद्दू गायब है, चौथा ये शिमला, पांचवा ये अनार और छठवा ये पपाया गायब है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जग्गा को आज कार चलाने का बड़ा मन कर रहा था तो वो एक कार चुराने निकल जाता है। उसे एक मॉल के सामने पार्किंग में 3 कार दिखती है। क्या आप इन तीनों कार को देख के बता सकते हैं कौन सी कार चुराना जग्गा के लिए आसान रहेगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली कार के ऊपर तो कैमरा है, ये कार चुराना आसान नहीं रहेगा। दूसरी कार में तो ड्राइवर बैठा हुआ है, ये कार तो चुरा ही नहीं सकते, तो तीसरी कार चुराना आसान रहेगा। जग्गा कार का दरवाजा खोलता है और कार चुरा के वहां से निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो दोस्त पार्टी कर रहे थे, उनकी वाइन खत्म हो जाती है तो वो घर के गोडाउन में और वाइन लेने के लिए जाते हैं। गोडाउन में एक वाइन का बॉक्स खुला रखा हुआ था, उसमें कुछ वाइन थी। पहला दोस्त बोलता है, बॉक्स में आधे से ज्यादा वाइन है। तो दूसरा दोस्त बोलता है, बॉक्स में आधे से कम वाइन है। कुछ देर बाद वो दोनों पता लगा लेते हैं कि कौन सही है। कैसे? बिना वाइन को बाहर निकाले और बिना किसी मेजरिंग टूल को यूज करके वो कैसे पता करते हैं कि बॉक्स में आधा से कम वाइन है या आधे से ज्यादा वाइन है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों बॉक्स को थोड़ा तिरछा करते हैं कुछ इस तरह से। अगर बॉक्स का निचला पार्ट दिख रहा है मतलब बॉक्स में आधे से कम भरा है, और अगर बॉक्स का निचला पार्ट नहीं दिख रहा है मतलब बॉक्स आधे से ज्यादा भरा हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 6 टाइगर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा टाइगर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें टाइगर ई ऑड वन आउट है, इस टाइगर की ये स्ट्रिप मिसिंग है। चलिए अब इन 6 लायंस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा लायन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एफ वाला लायन ऑड वन आउट है, इसका पैर देखिए बाकियों से अलग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस तांत्रिक ने अपने जादू से 3 औरतों को बंदी बना लिया है। पहली औरत को उसने 10 साल पहले इस बॉटल में कैद किया था, दूसरी औरत को 5 साल पहले इस बॉटल में कैद किया था, और तीसरी औरत को 6 महीने पहले इस बॉटल में कैद किया है। अब इन तीनों औरत में से एक औरत का ये बच्चा है, क्या आप बता सकते हैं ये किसका बच्चा है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये बच्चा छोटा लग रहा है, करीब साल भर का।
मतलब ये ए और बी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 5 और 10 साल से इस बोतल में कैद है, मतलब ये सी का बच्चा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।